उरी द सर्जिकल स्ट्राइक बॉक्स ऑफिस पर शानदार बिजनेस कर रही है। फिल्म को माउथ पब्लिसिटी का भी फायदा मिल रहा है। फिल्म के प्रोड्यूसर रॉनी स्क्रूवाला ने फिल्म की कमाई का 1 करोड़ रुपए आर्मी डे पर इंडियन आर्म फोर्स को डोनेट किया है। राजकुमार हिरानी पर हाल ही में यौन शोषण का आरोप लगा है और अब इमरान हाशमी की आने वाली फिल्म बाई चीट इंडिया के डायरेक्टर प्रोड्यूसर सौमिक सेन पर भी एक नहीं बल्कि 3-3 महिलाओं ने सेक्सुअल हरासमेंट का आरोप लगाया है। तीनों ने #MeToo कैंपेन के तहत ये बताया कि सौमिक सेन ने उनके साथ दुर्व्यवहार करने की कोशिश की थी। दीपिका पादुकोण और रणबीर कपूर लव रंजन की अगली फिल्म में एक साथ काम करेंगे। लव रंजन की अगली फिल्म में रणबीर कपूर और अजय देवगन लीड रोल में नजर आएंगे। पहले खबर थी कि रणबीर ने यह फिल्म छोड़ दी है, लेकिन ऐसा नहीं है बल्कि अब तो दीपिका ने भी इसे साइन कर लिया है। विजयंती माला और दिलीप कुमार की सुपरहिट फिल्म मधुमती को फिर से रिलीज किया जाएगा। फिल्म की रिलीज के 60 साल बाद इसे रिलीज किया जा रहा है। इसका आयोजन कोई और नहीं बल्कि फिल्म मधुमती के निर्देशक विमल रॉय की बेटी रिंकी रॉय कर रही है। कॉफी विद करण में दिए विवादित बयानों के बाद हार्दिक पंड्या के लिए मुश्किलें खत्म नहीं हो रही हैं। बीसीसीआई ने हार्दिक और राहुल दोनों को टीम से बाहर कर दिया है। वहीं मुंबई की मशहूर खार जिमखाना ने भी हार्दिक पंड्या की सदस्यता को रद्द कर दिया है। दरअसल हार्दिक की सदस्यता रद्द की मांग क्लब की महिलाओं ने की थी। सलमान खान और कटरीना की फिल्म भारत का नया टीजर 10 दिन बाद यानी कि 26 जनवरी को रिलीज किया जाएगा। इस बात की जानकारी फिल्म के डायरेक्टर अली अब्बास जफर ने ट्वीट करके दी है। खबर है कि फरहान अख्तर करीब 6 साल बाद एक बार फिर से राकेश ओम प्रकाश मेहरा के साथ फिल्म करने वाले हैं। इस बात की जानकारी उन्होंने ट्वीट करके दी है और लिखा कि वो जल्द ही एक बॉक्सर की कहानी लेकर आने वाले हैं जिसका नाम तूफान होगा। अमिताभ बच्चन की बीते साल थग्स ऑफ हिंदुस्तान रिलीज हुई थी, जिसके बाद इस साल उनकी फिल्म बदलाएगी, जिसका फर्स्ट लुक रिलीज कर दिया गया है। फिल्म की शूटिंग फिलहाल स्कॉटलैंड में चल रही है। जल्दी इसका पोस्टर भी रिलीज होने वाला है। बीते साल सोशल मीडिया पर किक्की चैलेंज खूब वायरल हुआ था। एक बार फिर सोशल मीडिया पर इस समय 10 ईयर चैलेंज वायरल हो रहा है। इसके तहत लोगों को अपनी 10 साल पुरानी तस्वीरें शेयर करने का चैलेंज दिया जा रहा है। हॉलीवुड से लेकर बॉलीवुड सेलिब्रिटीज भी सोशल मीडिया पर इस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हुए अपनी फोटोज पोस्ट कर रहे हैं। सुशांत सिंह राजपूत ने अपने इंस्टाग्राम पर वीडियो शेयर करके अपनी नई फिल्म की जानकारी दी है। दरअसल सुशांत ने अपनी अगली फिल्म राइफल मैन का टीजर वीडियो जारी कर दिया है, जो काफी दमदार नजर आ रहा है।